गाइस, आप लोगों को एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगेगा और एक और बार सोचने पे मजबूर कर देगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। एंड गाइस, आप सबको पता है कि शिखर धवन और उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी का डिवोर्स हो चुका है। एंड ये एक बात कंफर्म करी है आयशा मुखर्जी ने, शिखर धवन की वाइफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने एक बात कंफर्म कर दी है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आयशा मुखर्जी ऑलरेडी पहले से डिवोर्सी थी और उनकी पहली मैरिज से उन्हें दो बच्चे थे, दो लड़कियाँ थी उनके पास। और शिखर धवन से जब उनकी शादी हुई, 2012 में शादी हुई थी उनकी, और शिखर धवन से उनको एक बेटा भी है जिनका नाम जोरावर धवन है। तो गाइज, अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया और आयशा मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये चीज़ कंफर्म करी है। एक पोस्ट डाली थी उन्होंने, ये वाली फोटो डाली थी और इस फोटो के नीचे उन्होंने क्या लिखा था, मुझे लगता था कि डिवोर्स एक गंदा शब्द है जब तक मेरा दो बार डिवोर्स नहीं हो गया। और इसके नीचे भी इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों को गाइज बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को वो बात बता देता हूँ जो मेरे को शॉकिंग लगी है। तो इनका ये पोस्ट देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक दो फोटोज और देखते हैं कि इन्होंने इसके बाद क्या अपडेट किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो इन्होंने जस्ट इसके ऊपर एक और फोटो अपलोड करी है और उस फोटो पे लिखा है, आर यू लोनली आफ्टर डिवोर्स। तो गाइज, ये फोटो देख के मैंने देखा कि मतलब इसके नीचे इन्होंने कैप्शन डाला हुआ था जैसे कि पहली फोटो के नीचे डाला, तो मैंने देखा कि इन्होंने एक्चुअल में डाला क्या हुआ है। तो इन्होंने नीचे लिखा था, बहुत औरतें हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, वो डरती हैं कहीं उनकी दोस्ती ना खत्म हो जाए या रिलेशनशिप ना खत्म हो जाए डिवोर्स के टाइम या डिवोर्स के बाद। अब गाइज, पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पे ये आया कि ये कौन से रिलेशन की बात कर रही है कि खत्म ना हो जाए डिवोर्स के टाइम या डिवोर्स के बाद। अगर आप लोगों को समझ आता है तो मेरे को बताना। और गाइज, इसके नीचे इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मैं मेन रीज़न पे आ जाता हूँ अभी, जहाँ से मेरे को कुछ अटपटा लगा इनकी बातों में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत रीज़न हो सकते हैं रिलेशनशिप खत्म और चेंज होने के। अच्छा यही है कि किसी को जज ना किया जाए बल्कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, नॉर्मल पार्ट ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। मतलब ये बोल रही हैं कि नॉर्मल पार्ट ऑफ चेंज एंड ग्रोथ, तो यहाँ पे किस चीज़ की ग्रोथ आप बताना चाहती हैं मेरे को ये भी समझ नहीं आया। मतलब डिवोर्स करके किस टाइप की ग्रोथ होती है। अब आगे आगे और दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है, डिवोर्स के बाद आप खुद को अलाउ करते हैं नए रिलेशनशिप्स, नए फ्रेंडशिप्स, पुराने रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरे करने के लिए। गाइज, ये वाला जो पॉइंट है ना, एक तो रिलेशनशिप इन्होंने पहले मेंशन किया था जो मैंने आप लोगों को बताया, और गाइज ये वाला पॉइंट भी मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि ये सही पॉइंट है। मैं अभी आऊँगा धीरे धीरे सारे पॉइंट्स पे अपना ओपिनियन दूंगा, पहले मैं पूरा बता देता हूँ इन्होंने क्या क्या लिखा। इसके बाद इन्होंने लिखा, नई कम्युनिटी और ट्राइब एक्सप्लोर करने के लिए, खुद से गहरा रिश्ता बनाने के लिए। सो गाइज, ठीक है, खुद से गहरा रिश्ता भी समझ आता है, नई कम्युनिटी और ट्राइब का भी समझ आता है, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं उनको और गहरा बनाने के लिए ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगी कि पुराने रिश्तों के लिए अपना जो एक सबसे पवित्र रिश्ता माना गया पति पत्नी का, सबसे उच्च दर्जे का रिश्ता, वो तोड़ दिया जाए। इसके नीचे और भी है गाइज, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अगर आप भी अपने आप से मिलना चाहते हैं, खुद से गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं और एक नए कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मुझे फैमिली लिख के डीएम करें विजन कॉल बुक करने के लिए और देखने के लिए कि आप मेरे साथ वन ऑन वन काम करने के लिए फिट है या नहीं। बिजनेस प्रपोजल। गाइज, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है और सुनाया है, वो चीज आप लोग मतलब पीछे करके सुनना दोबारा जो मैंने ये चीज बोली है। गाइज, ये मेरे को ऐसा क्यों साउंड कर रहा है कि ये बिजनेस प्रपोजल टाइप इन्होंने किया है ये। और गाइज, अगर ये बिजनेस के लिए कोई स्ट्रेटेजी है ना, तो इससे गंदा काम कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। गाइज, दुख तो मेरे को बहुत हुआ सुना जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखी पोस्ट की शिखर धवन का डिवोर्स हो चुका है, तब मैंने पूरी इनकी स्टोरी भी देखी कि क्या कैसे हुआ था। पहले आयशा मुखर्जी जो थी वो ऑलरेडी डिवोर्सी थी एंड सेकेंड टाइम उनका डिवोर्स हुआ है, तो मेरे को दुख तो बहुत हुआ। बट मैंने जब ये सुना तो मेरे को यार और ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने ये चीज़ें देखी आयशा मुखर्जी के इंस्टाग्राम पे, स्पेशली ये चीज़ देख के कि उन्होंने एक बिजनेस प्रपोजल लिखा था अपने डिवोर्स के जस्ट नेक्स्ट वाली पोस्ट में ही उन्होंने एक बिजनेस प्रपोजल रख दिया।
गाइस आप लोगों को क्या लगता है मेरे को बताना। और गाइस मेरे को अपने हिंदू और इंडियन होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और क्यों गर्व है? क्योंकि सिर्फ हमारी कंट्री में ही ना रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों की क्या अहमियत होती है, ये चीज़ हमारी कंट्री से लोग सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं हमारी कंट्री से देख के। और बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया डिवोर्स का अगर आप रेट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है इस कंपेयर टू इंडिया। और इन्होंने अपनी पहली पोस्ट पे, जो हमारी आयशा मुखर्जी है, उन्होंने अपनी पहली पोस्ट पे एक चीज़ और लिखी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिससे मैं एग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। उनका पॉइंट था कि डिवोर्स मीन्स चूजिंग माई सेल्फ एंड नॉट सेटलिंग एंड सेक्रीफाइसिंग माई ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ अ मैरिज। सो गाइज ठीक है, मैं कई हद तक इस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन कब सहमत हूँ इस चीज़ से? जब अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आप मतलब बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी लाइफ में से, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपको भाव नहीं दे रहा, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ भी गलत चीज़ कर रहा है आपके साथ, इवन आफ्टर यू आर सेक्रीफाइसिंग योर इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद भी वो अगर गलत कर रहे हैं, तो हाँ तब ये बात बिल्कुल सही है। तब के लिए बिल्कुल गाइस आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं बचता है, तो डिवोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपका पार्टनर इज कंपैटिबल विद यू, आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा है, सो देर इज नो रीज़न कि आप एक छोटी छोटी बातों को लेके डिवोर्स पे आ जाओ। गाइस सेक्रीफाइस करना भी ज़रूरी होता है रिश्तों में, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है किसी के लिए, बस मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई एक बंदा आपके लिए परफेक्ट होगा। गाइस परफेक्शन किसी में नहीं होती है, वो हमारे ऊपर होता है कि हम लोग एक्सेप्ट करें किसी इंसान को जैसा वो है, द वे ही इज़ द वे शी इज़। और गाइज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम किसी को जैसा वो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई रिश्ता नहीं चल सकता। इवन एक्सेप्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ें हम लोगों को अडेप्ट करनी पड़ती है अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं सेम हमें वैसा मिल जाए। और गाइज इन्हीं छोटी बात को लेके अगर डिवोर्स कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और गाइज एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा अटपटी है, डिवोर्स मीन्स आई हैव हैड अमेजिंग रिलेशनशिप दैट हैव टॉट मी ग्रेट लेसन्स टू कैरी फॉरवर्ड इन न्यू रिलेशनशिप्स। मतलब ये कहना चाहती है यहाँ पे कि जो भी मैंने अपने पार्टनर से सीखा वो मैं अपने अगले रिलेशनशिप में उसे अप्लाई कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ जो भी मैंने सीखा लेसन उनसे। गाइज ये बताऊँ लिटरली कैसा साउंड कर रहा है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ऐसा साउंड कर रहा है ये। और गाइज मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ, मेरे को ये बात समझ नहीं आई इनकी। गाइज यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस तो करना चाहती है लोगों को, बट जो इन्होंने इनके 3-4 पॉइंट्स मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आए हैं। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो सही है या गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो गाइज ये 3 पॉइंट इनके गलत हैं, बाकी आई एम वेरी सैड अबाउट देम। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से सैड फीलिंग आ रही है कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, क्योंकि यार एक किसी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करना जिसके ऑलरेडी बच्चे हो बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू शिखर धवन सर, बहुत बड़ी बात है गाइस ये, एंड उनसे शायद 8 या 10 साल बड़ी भी हैं ये, आयशा मुखर्जी शिखर धवन से 8 या 10 साल बड़ी भी हैं। इवन दो शिखर धवन की फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे कन्विंस थे कि कोई नहीं आप लोग शादी कर लो, इसके बाद भी अगेन सेकेंड डिवोर्स होना गाइस मतलब सुनने में थोड़ा बहुत अजीब लगता है। और हाँ ऊपर से जो इन्होंने ये पोस्ट डाली है सुन के तो और ज़्यादा अजीब लगता है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना व्हाट यू गाइज फील इस बारे में जो भी मैंने आप लोगों को बताया। मेरे को बिजनेस प्रपोजल ज़्यादा लगा है, सॉरी टू से, बट हाँ वट आई फेल्ट मैंने आप लोगों को बताया, मेरे को बिजनेस प्रपोजल लगा इनकी सेकेंड पोस्ट देख के, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो गाइज आप लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है। और यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय। एंड गाइज हमारी जो इंडियन संस्कृति है ना, आई रियली लव इट, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ हमारी जो संस्कृति है ना गाइज, वो वर्ल्ड में बेस्ट है, ये मैं सरेआम छाती ठोक के कह सकता हूँ भाई सबके सामने, वर्ल्ड में बेस्ट है हमारा इंडियन कल्चर। और प्लीज़ इसको ऐसे ही वैनिश मत होने देना, कुछ जो रीति रिवाज हैं, कुछ जो संस्कृति है, कुछ जो रिश्ते निभाए जाते हैं यहाँ पे, वो चीज़ वैनिश नहीं होनी चाहिए यार।
हमें इन चीजों को एनकरेज करना चाहिए. इनफैक्ट अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, मतलब वेस्टर्न कल्चर इज नॉट बैड, बट हाँ ये चीजें अडेप्ट करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन. कि छोटी बात हुई डिवोर्स, छोटी बात हुई डिवोर्स, हल्की फुल्की लड़ाई हुई डिवोर्स, बैठो बातें करो आराम से यार, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सुलझाओ, वो बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप दोनों में से बिल्कुल ही दोनों की बस हो गई है और गलत कर रहा है कोई पार्टनर दोनों में से, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हाँ डिवोर्स एक ऑप्शन है, बट अगर नहीं है तो प्लीज़ रिश्ते निभाओ यार. ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ, आई गेस मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.